अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमारी दूसरी फार्माकोकाइनेटिक की प्रोसेस चल रहे हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, आफ्टर अ ड्रग रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जब ड्रग्स आप ब्लड के अंदर इंटर हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन पे चला गया, इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यू। अब चूँकि ब्लड पूरे बॉडी के अंदर घूम रहा है, तो जाहिर से बारी मुख्तलिफ टिशू के साथ इसी ड्रग्स का इंटरेक्शन होगी, फेसिंग होगी। इट शूड क्रॉस सेवरल बैरियर बिफोर रीचिंग द साइट ऑफ एक्शन। ड्रग्स का जो साइट ऑफ एक्शन है, एक्शन से पहले मुख्तलिफ बैरियर को क्रॉस करेंगे और फिर वो लास्ट में किधर जाएगा, साइट ऑफ एक्शन पे। सॉरी फॉर देट। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक ड्रग्स था वो ब्लड के अंदर इंटर हो गया, फिर ब्लड से चला गया मुख्तलिफ टिशू, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स पे चला गया, लेकिन लास्ट में वो जहाँ पर उसका अपना साइट था उधर पहुँच गया, जहाँ पर उसके रिसेप्टर थे, जहाँ पर उसके सेल थे उधर बाइंड हो गया और उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लाइक अब्जॉर्प्शन, जिस तरह के हमने अब्जॉर्प्शन की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इन्वॉल्व दी सेम प्रोसेस। वही प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी है, फिल्ट्रेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, जो स्टेप अब्जॉर्प्शन के इन्वॉल्व थे वो स्टेप यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, वेरियस फैक्टर डिटरमाइन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देट आर लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयनाइजेशन, ब्लड फ्लो एंड बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। मुख्तलिफ फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। जिस तरह की अगर एक ड्रग्स का नेचर लिपिड होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी, अगर एक ड्रग का नेचर लिपिड होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी एज कम्पेयर टू उस ड्रग्स का जो कि आयनाइज है। ठीक है, और साथ साथ ये डिपेंड भी करते हैं, कुछ ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होके ऑटोमेटिकली टारगेट साइट पे पहुंच जाते हैं, अगर वो प्रॉपरली प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ तो अटैच हो रही लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन कभी कभार उसको अटैच होने नहीं देता, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा। ठीक है, अनआयनाइज्ड एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। जिस ड्रग का नेचर लिपिड होगा, जिन ड्रग का लिपिड अनआयनाइज होगा, वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द बॉडी, वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इजीली अपने टारगेट साइट पे पहुंचेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म या इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कहते हैं। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो अपना साइट ऑफ एक्शन, वो अपने टारगेट सेल पे पहुंच गया, वहाँ पर उसने अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया, तो एक्शन परफॉर्म करने के बाद ये दोबारा वापस आएंगे लीवर को, कहाँ पर, लीवर को, और लीवर में उसकी इनएक्टिवेशन होगी और ये क्या है, मेटाबॉलिज्म। कि एक्शन परफॉर्म करने के बाद दोबारा लीवर में वापस आना और वहाँ पर एक्शन परफॉर्म करना, ये आपके पास क्या है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देखिए, अ प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्टरनेशन ऑफ ए ड्रग्स इन द बॉडी, कि जो हमने ड्रग्स लिया और बॉडी के अंदर उसकी मुख्तलिफ बायोकेमिकल अल्टरनेशन होते हैं। बायोकेमिकल अल्टरनेशन का मतलब ये है कि उसका नेचर चेंज होता है, एक्टिव से इनएक्टिवेशन होता है और वो कहाँ पर, लीवर के अंदर। ठीक है, समझ आई। बॉडी ट्रीट मोस्ट ऑफ द ड्रग एज अ फॉरेन सब्सटेंस एंड ट्राई टू इनएक्टिवेट एंड एलिमिनेट देम बाय वायरस बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टीज है, एक ड्रग्स अगर अपना एक्शन शो कर गया तो उसके बाद इसी ड्रग्स को वो फॉरेन चीज़ कंसिडर करते हैं, क्या, फॉरेन चीज़। तो जब वो फॉरेन को कंसिडर करते हैं कि यह ड्रग्स तो हमारे पास फॉरेन है, ठीक है, तो वो उसको पहला इनएक्टिवेट करता है और फिर एक्सक्रीट करता है, फिर बॉडी से निकाल देते हैं। याद रखिए, ड्रग्स की मेटाबोलाइजेशन होगी लीवर के अंदर, ड्रग्स की मेटाबोलाइजेशन लीवर के अंदर, लेकिन उसकी एक्सक्रीशन होगी किडनी के थ्रू, यूरिन के साथ। MCQs में अक्सर आते हैं कि मेटाबोलाइजेशन कहाँ पर होगी, लीवर में, लेकिन एक्सक्रीशन कहाँ पर होगी, किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन सम ऑफ द ड्रग आर लार्जली अनचेंज इन यूरिन, एग्जाम्पल फ्लोसामाइड एंड एटेनॉल। ये दो ड्रग्स नहीं है, फ्लोसामाइड एटेनॉल, ये वो ड्रग्स है जिसकी इनएक्टिवेशन नहीं होती, ये एक्टिव फॉर्म में बॉडी से बाहर जाएगी, समझ में आई ना। ये दो ड्रग्स डायरेक्ट यूरिन के साथ पास आउट होगा। ठीक है, मेनली ड्रग आर मेटाबोलाइज इन लीवर, ज़्यादातर ड्रग्स कहाँ पर मेटाबोलाइज होते हैं, लीवर में, लेकिन
किडनी लंग्स ब्लड के अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो सकती है, उसका इनएक्टिवेशन हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम मिलता है। ये दो जो मेडिसन है वो लीवर किडनी को डैमेज नहीं कर सकते? डैमेज भी करा सकते हैं लेकिन अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में ले, लेकिन अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन में ले तो फिर इतना इफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए तो समाइड एक्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, रोज़ाना तो हम नहीं यूज़ करते, लेकिन जब कभी बार पेशेंट का बीपी हाई हो जाते तो हम फ्यूरोसामाइड लाइसिक्स देते, यूरिन आउटपुट भी बढ़ा देते हैं और वो खुद भी निकल जाते हैं। ठीक है। अच्छा सवाल ये है कि मेटाबॉलाइजेशन होता किस तरह है? तो ये टू फेज, एक होते फेज़ वन, दूसरा होते फेज़ टू। फेज़ वन को नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं और फेज़ टू को सिंथेटिक रिएक्शन। होता किस तरह ये जो ड्रग्स है ना, ये जो ड्रग्स है लीवर के अंदर, ये किस तरह इनएक्टिवेशन होती है? बाय मींस ऑफ ऑक्सीडेशन या बाय मींस ऑफ रिडक्शन या बाय मींस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये ड्रग्स हमारे लीवर के अंदर या तो इसकी ऑक्सीडेशन होकर इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, या रिडक्शन होकर इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, या हाइड्रोलिसिस के थ्रू इनएक्टिवेट होते हैं और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। कन्वर्ट द ड्रग इन टू मोर पोलर मेटाबोलाइज बाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर हाइड्रालिसिस इफ द मेटाबोलाइज आर नॉट वाटर सॉल्युबल इज अंडर गो फेज टू। अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी एक ड्रग्स बॉडी से बाहर निकलेगा तो उसको हमने आयनाइज स्टेट में कन्वर्ट करना है। दोबारा बता रहा हूँ, अनआयनाइज स्टेट में लिपिड नेचर में ड्रग्स बॉडी से बाहर निकालना मुश्किल है, पहला हम उसको आयनाइज करेंगे फिर बॉडी से बाहर निकालेंगे। ड्रग्स जब भी बॉडी से बाहर निकालेगा तो उसको पहला आयनाइज करना होगा। क्या करना होगी? आयनाइज का मतलब ये है कि वो इनएक्टिवेट हो जाता है। आयनाइज का मतलब ये इनएक्टिवेट। अब एक सवाल और, अगर ड्रग्स की नेचर लिपिड है तो वो इजीली एक्सक्रीट आउट होगा, या जिस ड्रग का नेचर आयनाइज है वो इजीली एक्सक्रीट आउट होगा? आयनाइज। हाँ, जो लिपिड है वो भी एक्सक्रीट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट उसको हमने आयनाइज करना है। ठीक है। फेज टू, फेज टू के अंदर क्या होती है? देखिए जो ड्रग्स है मिसाल के तौर पर उसकी नेचर लिपिड है, अब वो इजीली एक्सक्रीट नहीं हो सकती, तो क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के कुछ मालिक्यूल उनके साथ मिल जाते हैं, जिस तरह के ग्लूकोयूरिन, यूरेनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्षार जमीन एसिड उसके साथ मिल जाते हैं। ग्लूकोयूरिनिक या सल्फ्यूरिक या चार्ज अमीनो एसिड, ये चार्ज मॉलिक्यूल है, तो उन ड्रग के साथ बाइंड हो जाते हैं और उन ड्रग को बाहर निकल जाता है किडनी के थ्रू या बाइलरी सिस्टम के थ्रू। दोबारा बताता हूँ, फेज टू या सिंथेटिक रिएक्शन क्या होते हैं? कभी कभार फॉर एग्जांपल ये आपके पास ड्रग्स हैं, ये लिपिड नेचर्स हैं, तो ये बॉडी से इजीली नहीं एक्सक्रीट होती, तो इनके साथ बॉडी के कुछ चार्ज मालिक्यूल जिस तरह के ग्लूकोयूरोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या चार्ज अमीनो एसिड इनके साथ कंबाइन हो जाते, फिर इनको निकाल जाते, क्योंकि अभी तो वो चार्ज हो गया, चार्ज मालिक्यूल मिल गया, तो बॉडी से एक्सक्रीट हो गई या किडनी के थ्रू, बल्कि ज़्यादातर फीसिस के साथ मतलब बाइलरी सिस्टम के साथ एक्सक्रीट आउट होते। अब इसके डेफिनेशन को देखिए, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी ग्लूकोयूरिनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, ये हमारे बॉडी के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंबाइन ये मिल जाते हैं किसके साथ? विद द ड्रग्स, ड्रग के साथ। जब वो ड्रग के साथ मिल जाते हाई पोलर कंपाउंड, तो इस ड्रग्स के नेचर पोलराइज हो जाते हैं, क्योंकि ये तो पोलराइज मॉलिक्यूल, तो फिर वो एक्सक्रीट होते हैं या किडनी के थ्रू या बाइल। डाउट है? नो सर। आगे जाएंगे। अच्छा, कि उसने कुछ चीज़ें ऐड किया है कि हमारे पास एंजाइम होता है लीवर के अंदर जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम P450। ठीक है। ट्रांसफर ड्रग्स इनटू मोर वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट, हमने बात की कि लीवर के अंदर ये जो हमारे पास लिपिड नेचर का ड्रग्स है नॉन आयनाइज, ये आयनाइज में चेंज होते हैं। क्वेश्चन है कौन सा चीज़ है जिनको वो आयनाइज करते हैं, और हमारे पास एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? साइटोक्रोम P450। तो साइटोक्रोम P450 वो एंजाइम है जो इस ड्रग को अनआयनाइज स्टेट से आयनाइज में चेंज कर जाते हैं। जब वो आयनाइज में चेंज होगा तो फिर वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। बस ये वीडियो याद तक स्टॉप करें, इस क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो